हर किसी का बनाते हो या? सिर्फ मैं मंदिर मंदिर एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अपने जितने भी इंडिया में पूरे छोटे बड़े जितने भी मंदिर है ना सबको जोधपुर है, जोधपुर या अदर भी? अदर पूरे इंडिया में जाऊंगा। पूरे इंडिया में हाँ बाइक से। हाँ बाइक से? क्या हाँ बात है यार। राम राम भाई लोगों, एक बार फिर से स्वागत है MWC व्लॉग में। तो आज के लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा क्रेजी होने ऐसी वाला है। जगह एक्सप्लोर करने जा रहे हैं आज, ऐसा मंदिर एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो आज तक मैंने खुद सर्च कर लिया है यूट्यूब पे, कोई वीडियो नहीं उसके। तो देखते हैं वो मंदिर कौन सा है। अभी तो आप पीछे खेत का नज़ारा देख सकते हो, खेत का नज़ारा ऐसे दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम आए थे। बंटी का क्या कोई रिश्तेदार रहता है यहाँ पे, रिलेटिव, तो वो यहाँ पे आया था। खड़ी है ये हेल्ला, और बंटी ने सामान लिया है, कुछ पता नहीं क्या क्या लिया है, तोरी ली है यहाँ पे। और बंटी भैया हेलमेट हेलमेट तो अपन ही बैग जाए, फिर दिखाते हैं आपको आगे का सीन क्या है, कौन सा मंदिर है, कहाँ पे है, जोधपुर में। बने रहना ब्लॉग में। तो ये कड़ा गज्जू। अरे गज्जू बना आई गया आप। राम राम, जय श्री राम। लो बंदो, फिर अब चलते हैं अपनी मंदिर की तरफ। तो यार एक बात है, वीडियो बना रहा हूँ, लोग मेरे को कह रहे मंदिर मंदिर क्यों जा रहे, गोवा जाओ, तो बाहर जाओ, स्विमिंग पूल जाओ, गर्मी हो गई है। मैंने कहा भाई यार मंदिरों में जो मजा है ना, जो ठंडक मंदिर में और कहीं नहीं है। जो जा पा रहे हैं ना ये भी खुशकिस्मत है, बाकी लोग अच्छे अच्छे जा ही नहीं पाते हैं। हम भी अभी तक नहीं जा पा रहे थे। जोधपुर में रहते कितने मंदिर है जो आज आ रहे हैं ना, आप यार सोचोगे नहीं ऐसा मंदिर एक्सप्लोर कर लिया, एक भी लोग नहीं है और लोग को उसे भी बहुत कम सुना हुआ है, और फिर भी वहां पे जाएंगे तो इतनी भीड़ होगी देख लेना। कौन है जा रहा है वो देखो, अपनी जा रही है बिल्लो, पीछे दिख रहा है आपको भगत सिंह। थोड़ा क्या कैमरा की क्वालिटी कम है ना तो इसलिए दिख नहीं रहा होगा, बाकी पीछे भगत सिंह। सलाम सिंधनु। भगवान हर 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 महादेव। तो क्या खबर, परफेक्ट टाइम पे पहुंचे थे हम। हमने आरती भी अटेंड की है, प्रसाद ले लिया। तो आरती किसकी थी? श्याम बाबा की। यहाँ पे आ गए थे श्याम बाबा के। हम इतने टाइम से कर रहे हैं कि हम श्याम बाबा के जाए जयपुर, वहाँ पे रिंगस के आगे जो भी है खाटू श्याम जी जाए, पर नहीं बुला रहा बाबा, बुला ही नहीं रहा। आज कम से कम यहाँ से शुरुआत तो की है, और आज इतना दिल खुश हो गया है आरती लेके। देगा तो चढ़ा बाबा, देगा तो एक काम बना दिए सारे, वो सब वहाँ पे मिला। जो आरती ले लें वो पीछे होते क्या ना, प्रसाद ले लेना पीछे से। आज
चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 14। अगर खाटू श्याम जी में आपकी अर्जी नहीं लग रही है तो यहाँ पे तो लगेगी लगेगी, तो यहाँ पे आके आओ, यहाँ पे अर्जी लगनी है, बस काम नहीं बन रहा है वहाँ का तो यहाँ पे आए इसलिए। बाकी यहाँ पे लोकल से हमने पूछा है तो 1100 को काफ़ी भीड़ रहती है, मंदिर पैर रखने जैसी जगह नहीं रहती, तो आओ 1100 को भी आप आओ यहाँ पे अर्जी लगाओ। हमने तो बात कर ली है, बोल दिया श्याम बाबा को, बोल दिया है कि जल्दी से जल्दी आप खाटू श्याम जी बुलाओ, इतने टाइम से टूर प्लान कर रखा है, सर छुट्टी नहीं दे रहे यार, सर छुट्टी दे तब तो आए क्या बंटे, सर क्या बोलते हैं अब हम क्या, हम तीन जने हैं, सर बोलते हैं कि यार ना तुम दोनों जाओ या तुम दोनों जाओ, दो जने क्यों जाए भाई, तीन जने तो जाएंगे तो तीनों एक साथ जाएंगे। तो हम निकलते हैं वापस यहाँ से मंदिर से, बड़ी अपनी अल्लाह भाई अच्छी खड़ी थी, रो मतलब ऐसे साइड में भी नहीं खड़ी की इतनी, क्योंकि आरती चल रही थी इसलिए साइड में फेंक के फटाफट हेलमेट मैंने गज्जू की गाड़ी पे फेंके फटाफट, अंदर आरती अटेंड करनी है तो भूल गया फिर तो। एमटी वाले चाचा, एमटी वाले चाचा हाँ, एमटी है मेरे बाइक का नाम है, एमटी वो बाइक खड़ी ना उसका नाम एमटी है। अच्छा हाँ, एमटी वाले चाचा। तो आप यानी कि हर किसी का बनाते हो या सिर्फ? मैं मंदिर मंदिर एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अपने जितने भी इंडिया में पूरे छोटे बड़े जितने भी मंदिर है ना सबको है, अदर पूरे इंडिया में जाऊंगा, पूरे इंडिया में। हाँ बाइक से, बाइक से हाँ। क्या बात है, एमटी वाले चाचा। हाँ आपको ग्रुप, ये हमारा ग्रुप है। तो भाई लो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, तो कमेंट करके बताओ कैसा लगा ब्लॉग, और जो अभी तक नहीं गए श्याम बाबा के दर्शन के लिए फटाफट गाड़ी उठाओ फटाफट पहुंच जाओ मंदिर में, पूरी लोकेशन की पूरी डिटेल मैं डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट दर्शन करो और बताओ कि कैसा लगे दर्शन करके, कैसा लगा क्या फील आया कमेंट करके फटाफट बताओ, और वीडियो देख के आपको कैसा लगा वो भी बताओ कमेंट करके। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, और हाँ गाड़ी ध्यान से चलाओ, कोई जल्दबाजी मत करो, ओवर स्पीड और रूल तोड़ के कोई चीज मत करो, बिना हेलमेट के गाड़ियां मत चलाओ। अभी दो दिन पहले अगस्त चौहान के साथ जो हुआ सुन के बहुत बुरा लगता है, ऐसी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, कभी भी कोई भी राइडर है नहीं चाहता है उस भाई को, दिल से ओम शांति, उस भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, तो अपने साथ ऐसा ना हो कभी भी, इसलिए ध्यान रखो, क्योंकि जाने वाला तो चले जाता है उसके पास, उसके पीछे उसकी फैमिली रह जाती है, उसके लिए काफ़ी दुख का और काफ़ी आप समझ सकते हो कि कैसा सीन होता हो, तो ध्यान से चलाओ गाड़ी, रूल्स ब्रेक मत करो, मतलब जान है तो जान है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, मिलते हैं राइड पे।